नमस्कार दोस्तों ए एम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है सिंगल स्टब मैचिंग विद हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं अब यहाँ पे हम आपको पढ़ाना चाहते हैं डबल स्टब मैचिंग पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सिंगल स्टब मैचिंग हमने स्टडी किया उससे हमारा इम्पिडेंस मैच हुआ और उस वजह से मैक्सिमम पावर आपकी जनरेटर से सोर्स की तरफ जनरेटर से लोड की तरफ ट्रांसफर हो चुकी थी तो फिर डबल स्टब मैचिंग की ज़रूरत क्या है <coughs> तो डेफिनेटली इसका आंसर यही है कि सिंगल स्टब मैचिंग में डेफिनेटली कुछ आपकी ड्रॉबैक्स थी उन ड्रॉबैक्स की वजह से हमें डबल स्टब मैचिंग को स्टडी करने की ज़रूरत है तो पहला काम ये है कि जब हमने सिंगल स्टब मैचिंग किया था तो वो जो सिंगल स्टब इम्पिडेंस मैचिंग टेक्निक थी वो सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर आपका सोर्स जनरेट करता है तभी वो यूजफुल थी जनरेटर पे कोई ऐसा सोर्स है जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो फिर उसके लिए हमें सिंगल स्टब मैचिंग टेक्निक uh, यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिंगल स्टब में जो कनेक्शंस हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वैसे ही आपका लेमडा चेंज होगा और उस वजह से आप इसको लेफ़्ट या राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा और वो काम फिर बाद में नहीं हो पाता है तो इन शॉर्ट जो सिंगल स्टब मैचिंग टेक्निक है वो आपकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत यूज़फुल है नेक्स्ट जो है वो क्या है कि जो सिंगल स्टब है उसमें जो कनेक्शन है वो हमारे फिक्स्ड टाइप के हैं यानी वो मूवेबल नहीं है ना तो आप स्टब की लेंथ को चेंज कर पाते हो ना स्टब की पोजीशन को चेंज कर पाते हो तो इसका यही ड्रॉबैक्स है कि इन केस कभी ऐसा करने की जरूरत हमें पड़े तो वो सिंगल स्टब मैचिंग्स में हम नहीं कर पाते हैं तीसरा सिंगल स्टब वैसे तो पॉइंट एक ही है बार बार घूम के आपके सामने आता है पॉइंट इसीलिए सारे लिखे हैं ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें तो जो सिंगल स्टब मैचिंग टेक्निक है वो कई बार बोल दिया जाता है कि जो नैरो बैंड सिस्टम है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है <coughs> अब नैरो बैंड क्या है नैरो बैंड या नोच कह लीजिए वो एक ऐसा बैंड जिसमें बहुत कम बैंड बिट हो यानी एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी हो जो पास हो जाए सोर्स से तो घूम फिर के वही बात है तो अगर आपका जो सिग्नल है या जो सोर्स है अगर वो ब्रॉडबैंड सिग्नल जनरेट करता है तो उसके लिए आप सिंगल स्टब यूज नहीं कर पाओगे आपको डबल स्टब मैचिंग की रिक्वायरमेंट होगी लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है कोएक्सियल केबल भी एक ट्रांसमिशन लाइन ही है अगर आप कोएक्सियल केबल पे सिंगल स्टब मैचिंग यूज़ करते हो तो फिर आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं सो सिंगल स्टब मैचिंग टेक्निक इज़ नॉट सुटेबल फॉर कोएक्सियल केबल तो ये था रीजन वाई डू वी स्टडी डबल स्टप मैचिंग अब हम डबल स्टप मैचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे <coughs> देखो डबल स्टब मैचिंग का पहले आप डायग्राम देख लें उसके बाद इन की पॉइंट्स पे आ जाएंगे ये देखो ये जो पॉइंट है ये जो लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल ये है आपकी मेन ट्रांसमिशन लाइन राइट और ये जो आपका जेड एल ये क्या है उस मेन ट्रांसमिशन लाइन पे ये आपका है लोड इम्पीडेंस ओबियसली हर ट्रांसमिशन लाइन एक लोड इम्पिडेंस से टर्मिनेट होती है तो ये लोड इम्पीडेंस है अब इस लोड इम्पीडेंस से डी एस वन डिस्टेंस लेफ्ट साइड पॉइंट ए और पॉइंट बी है जहाँ पे हमने पहला स्टब यूज किया है और ये जो स्टब है आपका डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट स्टब है और इस स्टब का करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नोट है आपको बता दूं कि जो मेन ट्रांसमिशन लाइन थी उसका भी Z0 ही है तो यानी डी एस वन डिस्टेंस लेफ्ट साइड फ्रॉम लोड इंपीडेंस एक स्टब आपने कनेक्ट कर दिया ठीक है तो ये है और ये जो स्टब है इसकी जो आपकी लेंथ है वो क्या होगी ये इसको लिखेंगे एल एस वन राइट यानी फर्स्ट जो स्टब है उसकी लेंथ अब देखो इस स्टब से लेफ्ट साइड डी एस टू डिस्टेंस चलो वहां पे हमने दूसरा स्टब यूज कर रखा है उस दूसरे स्टब के जो पॉइंट वो सी और डी पॉइंट है और वो दूसरा स्टब भी आपका क्या है शॉर्ट सर्किट स्टब है और इस स्टब की जो लेंथ है वो है आपकी एल एस टू राइट ये आ गया तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है एक मेन ट्रांसमिशन लाइन पे सिंगल स्टब मैचिंग में हमने सिर्फ एक ही स्टब मैच किया था ठीक है और डबल स्टब मैचिंग में मेन ट्रांसमिशन लाइन पे हम दो शॉर्ट सर्किट स्टब्स का यूज करते हैं पहला स्टब लोड इंपीडेंस से डी एस वन डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है और दूसरा स्टब इस पहले स्टब से डी एस टू डिस्टेंस लेफ्ट साइड मेन ट्रांसमिशन लाइन पे कनेक्टेड है तो कुछ इस टाइप का डायग्राम यहाँ पे रहता है अब इसके कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे <coughs> सबसे पहले डबल स्टब एज अ नेम इंडिकेट्स ये हमेशा दो स्टब्स का यूज़ करता है और यूज़ किस लिए है कि जो लोड इंपीडेंस है वो आपका करेक्टरस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन के साथ मैच हो जाए ताकि जनरेटर एंड से मैक्सिमम पावर लोड की तरफ ट्रांसफ़र की जा सके तो ये है आपका इम्पिडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली डबल स्टब है तो हम इसमें दो स्टब्स यूज करते हैं अब जो स्टब्स हैं वो आपके ओपन सर्किट भी हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं बट आपको बताया था कि ओपन सर्किट्स का एक डिसएडवांटेज है कि वहां पे हो सकता है कुछ सिग्नल्स रेडिएट हो जाए और हमें काफी ज़्यादा लॉस हो जाए तो बेटर है कि हम इसको शॉर्ट सर्किट स्टब ही यूज करें दूसरा पोजीशन जो है स्टब्स की वो इसमें हमेशा फिक्स्ड होती है पोजीशन का क्या मतलब है लोड से डी एस वन डिस्टेंस लेफ्ट साइड ये जो स्टब है एक बार ये स्टब हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया यानी लोड और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स होगा यानी जो स्टब की पोजीशन है पॉइंट ए और बी ये हमेशा फिक्स्ड होंगे एक बार यहाँ पे स्टब लग गया तो स्टब यहीं रहेगा दूसरा जो दूसरा स्टब है उसके पॉइंट्स हैं सी और डी ये भी हमेशा फिक्स ही रहेंगे तो ये जो पोजीशंस हैं डी एस टू यानी पहले स्टब से लेफ्ट साइड डी एस टू डिस्टेंस चलेंगे वहाँ पे जो दूसरा स्टब लगेगा उसकी पोजीशन भी फिक्स रहेगी और ए और बी पॉइंट है जो लोड इंपीडेंस से डी एस वन डिस्टेंस लेफ्ट लेफ्ट साइड इन मेन ट्रांसमिशन लाइन वो पोजीशन भी आपकी हमेशा फिक्स्ड होगी दूसरा पॉइंट एक स्टब की पोजीशन अगर फिक्स हो चुकी है दोनों की तो अब स्टब की लेंथ पे हम डिस्कस करेंगे जो भी स्टब्स आपने यूज किए हैं उन स्टब्स की लेंथ हमेशा चेंज होगी राइट और वो चेंज कैसे होगी इंडिपेंडेंटली इसका क्या मतलब है इसका मतलब है स्टब वन की अगर आप लेंथ चेंज करते हो स्टब टू की अगर लेंथ चेंज करते हो तो दोनों स्टब्स की लेंथ में कोई भी रिलेशन नहीं होगा राइट अपने अकॉर्डिंग स्टब वन और स्टब टू की लेंथ में कोई रिलेशन नहीं है इंडिपेंडेंटली वो चेंज हो सकती है तो जैसे ही हमारा जो जनरेटर एंड है जनरेटर एंड पे जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग जो दो स्टब्स हमने यहाँ यूज कर रखे हैं उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती बट उन स्टब्स की लेंथ हम चेंज करके इम्पिडेंस को मैच करा सकते हैं तो ये था आपका डबल स्टब मैचिंग का बेसिक्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो में डबल स्टंप मैचिंग की जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपके सामने इन डिटेल डिस्कस करेंगे दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो